नमस्कार मेरे मित्रों, जय माँ शारदे। माँ का छठा दिन यानी नवरात्र का छठा दिन, नौ देवी की पूजा होती है तो छठे दिन कात्यायनी देवी की पूजा होती है। तो हम बताएंगे कि कात्यायनी देवी के बारे में जानेंगे कि उनका भोग क्या है, उनका रंग क्या है और उनकी पौराणिक कथा क्या है और वो किसका स्वरूप है, किस ग्रह को वो नियंत्रण करती हैं और उनकी पूजा विधि के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो नवरात्रि के छठे दिन कहा जाता है कि माता कात्यायनी जी का दिन होता है, जो इस बार 20 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को पड़ रहा है, जो बहुत ही शुभ दिन है। कहा जाता है कि नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी देवी को समर्पित किया जाता है। कहा जाता था कि माँ पार्वती जी ने कात्यायनी का रूप धारण करके महिषासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए इस रूप को धारण किया था। माता का ये रूप काफी हिंसक है, इसीलिए इसे हम कात्यायनी देवी कहते हैं। माता का जो स्वरूप है, माता कात्यायनी की जो सवारी है वो शेर की सवारी है और इनकी चार भुजाएं हैं। बाएं दो भुजा में कमल और तलवार ली हुई है और दाहिने दोनों हाथों में वो वरद और अभय मुद्रा धारण की हुई है। देवी लाल वस्त्र से सुशोभित हैं और उनके चेहरे पर बहुत ही उज्ज्वलता है। जाता है कि अगर कात्यायनी देवी किसी पे भी प्रसन्न हो जाएं, किसी भी जातक पर या फिर किसी भी अपने भक्त पर अगर वो प्रसन्न हो जाती है तो उसको मन चाहा वरदान देती है, उसे धर्म मोक्ष की प्राप्ति होती है। कात्यायनी की पूजा करने से मन चाहा वर की प्राप्ति होती है और विवाह में जो भी अड़चने आ रही हैं कात्यायनी देवी की, अगर आप पूजा करते हैं तो विवाह में आने वाली अड़चनों को वो सदा ही दूर करती हैं। तो शरदी नवरात्रि में उनकी पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। माँ कात्यायनी देवी का जो भोग है वो है शहद। शहद उनको बहुत प्रिय है, शहद से बने आप चरणामृत चढ़ाइए माता जी को और शहद से बनी हुई चीजों को अगर आप हलवा भी बनाती हैं उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके अगर माता रानी को चढ़ाती हैं तो माता रानी अधिक प्रसन्न होती हैं। और फल फ्रूट तो आपको चढ़ाना है। माता का जो प्रिय रंग है वो है पीला कलर। पीला कलर आप भी पहनिए और कोशिश कीजिए कि उस दिन आप जब नवरात्रि का व्रत कर रही हैं या आपने अपने घर में माता जी को बुला रखा है तो आप उनको पीले कलर की चुन्नी चढ़ाना ना भूले। अगर आप ऐसा करते हैं, पीली चूड़ियां, पीली चुन्नी चढ़ा करके, पीला सिंदूर चढ़ा करके, आप उनसे वरदान भी मांग सकती हैं अगर आपके घर में किसी की शादी ब्याह नहीं हो रहा है। अब हम कात्यायनी देवी का संबंध बृहस्पत और आंशिक संबंध शुक्र ग्रह से होता है और ये बृहस्पत और शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। माँ को पीले रंग की वस्तुएं बहुत ज्यादा पसंद हैं, इसलिए जब भी उनकी उपासना करनी है तो आपको गोधिल बेला में ही उठकर उनकी उपासना करनी चाहिए। इस समय आपको दूध में केसर मिला करके कात्यायनी देवी का आप अभिषेक करें। रोली, हल्दी, चंदन, अक्षत अर्पित, उनको फूल भी आप अर्पित कीजिए। फिर उनका पाठ करके मंत्रों का जाप करते हुए आरती और पूरी रात कोशिश करें कि इनका जागरण करें, भजन कीर्तन का आयोजन करें और इनको शहद से बनी चीजों का भोग लगाएं, क्योंकि माँ कात्यायनी जी को शहद बहुत ही प्रिय है। फिर आपको पूजा के साथ साथ इनके मंत्रों का जाप करना है, कवच मंत्र का जाप करना है, फिर आपको ध्यान मंत्र का जाप करना है। जो भी आप कात्यायनी देवी के मंत्रों का जाप जरूर करिए। मंत्र है उनका ओम देवी कात्यायनी नमः करके आप मंत्र कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, स्तुति कीजिए। प्रार्थना मंत्र आपको अवश्य करना है, ध्यान मंत्र भी आपको करना है और जितने भी इनके स्तोत्र हैं सबकी एक एक माला आप कर सकते हैं, नहीं तो एक एक बार, अगर आपके पास समय नहीं है तो एक एक बार आप इनको कर सकते हैं। अब पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर हम जाने तो देवी कात्यायनी देवी ने कात्यायन ऋषि को जन्म दिया था, इसीलिए उनका नाम कात्यायनी देवी पड़ा। कई जगह पर इनका संदर्भ आपको मिल जाएगा। ये देवी शक्ति का अवतार। जब पूरी दुनिया में महिषासुर नामक राक्षस ने अपना तांडव मचा रखा था तब कात्यायनी देवी ने उसका वध किया। ब्रह्मांड को उसके अत्याचार से उन्होंने मुक्त करवाया। तलवार और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के देवी महिषासुर से उन्होंने युद्ध किया। जब जैसे ही देवी महिषासुर के करीब पहुंची वैसे ही महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण कर लिया। तब देवी ने अपनी तलवार निकाली और उसकी गर्दन को काट दिया। काटने के बाद जब उसकी गर्दन अलग हो गई, इसीलिए
महिषासुर का वध करने के बाद इनका एक नाम महिषासुर वर्धिनी भी इनको कहा जाता है। सर अगर कहा जाए तो जो देवी है वो बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती है और उनकी पूजा करने से जो भी बृहस्पति के बुरे प्रभाव होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। कि जो कात्यायनी देवी होती है उनका अगर आप उपाय करते हैं तो उनकी पूजा करने से आपको क्या लाभ होता है, बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करने के कारण अगर आपके जीवन में शादी से संबंधित कोई समस्या रहती है तो वो समाप्त हो जाती है, और अगर आपकी शादी में कोई बाधा आ रही है इनकी पूजा करने से वो बाधा आपकी दूर हो जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि उपाय क्या करना है। जिनकी भी शादियां नहीं हो रही है या प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उनके किसी भी मामले में परेशानी आ रही है, तो उनको करना कुछ नहीं है। उनको शारदीय नवरात्रि जो अभी चल रही है तो उसमें माँ कात्यायनी देवी की उपासना, स्नान ध्यान करके उनकी उपासना करते हुए हल्दी की 3 गांठे उनको समर्पित करेंगे। पीले कलर के कपड़े में बिछा करके हल्दी की 3 गांठे उनके समक्ष रख देंगे और फिर पीला फूल भी समर्पित करेंगे और एक माला लेकर के, रुद्राज की माला हो या आपके पास कोई भी आपकी माला हो आप ले लीजिए, और एक मंत्र का जाप करते हुए आपको एक फूल उनपे समर्पित करना है। तो ऐसे आपको 108 पीले फूल उनको आप समर्पित करते जाएंगे और आपको मंत्र का जाप करना है। मंत्र बहुत ही सरल है, मंत्र है क्लीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः, क्लीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः। ऐसे करके आपको 108 बार मंत्र का जाप करते हुए एक माला कात्यायनी देवी को आपको चढ़ाना है और उसके बाद वो वहां से आप उठा लेंगे और उठाने के बाद उसको आप सुरक्षित स्थान पर रख देंगे। और जब भी आपकी शादी की बात चलेगी तब आप कहीं भी लड़की देखने जा रहे हैं या घर पे लड़की वाले आ रहे हैं तो आपको वो हल्दी की गांठें पीले कपड़े में बांध करके अपने पास रखनी है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो भी आपकी शादी में अड़चने आ रही है, चाहे वो प्रेम विवाह हो और चाहे वो विवाह बंधन हो, तो आपकी सारी अड़चने दूर हो जाएंगी। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो एक हांडी लेनी है और हांडी में आपको क्या करना है कि गोबर के उपले ले लेना है और उसमें लौंग और कपूर की अगर आप आहुति देते हैं तो इससे भी आपकी सारी वैवाहिक विवाह से संबंधित समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो माँ कात्यायनी का अवतार बहुत बड़ा ही है, इसीलिए अगर आप इनकी पूजा करते हैं तो आपको उत्तम फल प्राप्त होता है। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। नमस्कार।